शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जहाँ तक हम चंद्रा भाभी को जानते हैं, वो हार कर मुंह लटकाने वालों में से नहीं है। वो इस वक्त अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही होगी। लेकिन उस रात न तुमको पता है न हमको पता है कि वाकई सब था भी कि नहीं। 7 दिन दिए थे ना आपने उसे, किया उसने साबित, नहीं किया। एक गलत फहमी के पीछे खून के रिश्ते नहीं तोड़े जाते। बेटा तुम अपने पापा को बुला दो, तुम्हारे माँ की रिपोर्ट आ गई है। वो मंदिर गया, आप हमें बताइए ना क्या हुआ। बेटा तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है, इसलिए मैं कह रहा था कि उसका उसका कोई इलाज है, कुछ कर सकते हैं। नहीं बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि कैंसर फैल चुका है। ऐसे कैसे कोई इलाज नहीं, कोई तो इलाज होगा। आप डॉक्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना, हमारी माँ को ठीक कर दीजिए ना, कुछ तो कीजिए। हम भानुथाव जी के सामने भी एक मांगेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम दादाजी से बात करेंगे, वो हमारी बात मानेंगे। हम कैसे भी करके हमारी माँ को ठीक करेंगे, हम उनको बड़े से बड़े अस्पताल लेकर जाएंगे, हम उन्हें मैरी कर लेकर जाएंगे, उधर उधर ठीक करवाएंगे उन्हें, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, अब तुम्हारी माँ के पास बहुत कम समय बचा है, संभालो खुद को है? और जो कुछ आखिरी के चंद दिन बचे हुए हैं उन्हें आरामदेह बनाओ, उन्हें किसी हिल स्टेशन पर लेकर जाओ, हो सकता है कि वहाँ पर उनकी तबीयत में कुछ आराम मिले और वो कुछ और महीने जी जाए, है ना? और अभी तुम कह रही थी ना कि तुम अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हो, फिर तुम तो बहादुर बच्ची हो, हिम्मत रखो बेटा। माँ का ध्यान रखते, अच्छे से रखते, लेकिन लेकिन वो ठीक हो जाएंगी ना। डॉक्टर अंकल, आप ये बात किसी को मत बताइएगा, माँ पापा किसी को भी ये बात मत बताइएगा। ये बहुत बड़ी बात है, किसी को तो बताना होगा ना। ये बात बाबा को पता चल गई ना तो वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे। हम चाहते कि माँ जितने दिन है हमने खुश रखे, उन्हें कुछ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप उनसे वादा कीजिए, आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ख्याल रखना माँ का अपने। सुबह सुबह बिना खाए पिए फिर बाहर चली गई ना तुम, दूध का ग्लास लेकर पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहे थे तुम्हें। क्या हुआ श्रवणी, नींद नहीं आ रही क्या, दर्द हो रहा है क्या? तुमसे कितनी बार तो कहे हैं कि श्रवणी बिना बिना चप्पल के बाहर मत जाओ, पर किसी की मानती कहाँ है ये लड़की। हम हिम्मत नहीं हार सकते, हमें माँ का ख्याल रखना होगा और उनके सामने हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। केशव भैया कहाँ रह गए? प्रीति, प्रीति आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने, तुम हमसे बात का ही नहीं कर रही हो। हम झूठे लोगों से बात नहीं करते हैं। हमने तुमसे कहा झूठ बोला? तुमने हमसे लगातार झूठ ही बोला है बिना। कैसा झूठ? यही कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। पर यही सच है। अच्छा, मतलब हमारे बाबा झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, हमको तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारी सहेली हमारी बात पे भरोसा ना करके उस पाखंडी बाबा पे भरोसा कर रही है। बीना, खबरदार अगर बाबा के बारे में कुछ भी कहा तो, हमें उन पर पूरा विश्वास है। आज हमें एहसास हो रहा है कि हमारे पति तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही बोलते थे, कि तुम्हारी जैसी औरतें ना दूसरों की खुशियों से जलती हैं। पता है बीना, तुम्हारे इसी रवैये की वजह से ना बेचारा तुम्हारा पति तुमसे कटा कटा सा रहता है। प्रीति, हमने तुमसे अपने मन की सारी बातें कही और तुम हमसे ऐसे बात कर रही हो। शायद तुम भी अपने पति की तरह ही हो, जो बिना किसी को जाने किसी के लिए कोई भी राय रख लेते हैं। खबरदार, अगर हमारे पति के बारे में एक शब्द और कहा तो। और हाँ,
आज के बाद हमसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ना भाभी। हाँ केशव भैया। वीना भाभी चलिए गाड़ी आ गई है। कहाँ हुआ भाभी, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है ना। नेत्रा कहाँ है? भाभी वो गाड़ी में बैठी हुई है, आइए चलिए। शवनी तो यही है क्या बेटा? हाँ माँ। तुम्हारी माँ को ब्लड कैंसर है, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हारी माँ के पास बहुत कम समय बचा है। हमने कहा था ना हम एकदम ठीक ठाक लौट आएंगे मंदिर से। लो आ गए। क्या हो गया बेटा? हमारी चिंता हो रही थी क्या? नहीं माँ। अच्छा माँ को दिखाई नहीं देता तो माँ से झूठ बोलोगी? हम ठीक है बेटा, बेकार ही चिंता कर रही थी, जैसे पता नहीं हमें क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। ये कहा आजकल नौकर लोग सफाई फाई करते हैं, पता नहीं का पड़ा रहता है। कुछ अस्पताल का पर्चा लग रहा है। अरे शमू बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी माँ की रिपोर्ट्स आ गई है? हाँ ये अस्पताल से आया है। बहुरिया जरा देखो क्या है इसमें। हे भगवान ताईजी रिपोर्ट ना पढ़ ले, माँ बाबू को पता नहीं चलना चाहिए बीमारी का। जाने दीजिए ना, क्या करेंगे आप इसको पढ़कर? कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। मतलब? मतलब कि माँ ने फालतू पैसे और अपना खून खर्च किया। डॉक्टर अंकल तो हमें पहले ही बता दिए थे कि इनको बस कमजोरी है, इनको वक्त पर खाना पीना देना होगा और बस आराम की जरूरत है। और हाँ उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी थी वो हम जाकर ले आएंगे। हाँ बेटा हम तो बहुत ज्यादा डर गए थे। चलो भगवान का शुक्र है कि नेत्रा की तबीयत ठीक है। नेत्रा जी अपना ध्यान रखा करो भाई, सब कितना परेशान हो गए। जी भैया हम आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक। माँ से हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लाखों में एक बिटिया है हमारी, भला हमें क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता हमें। अरे ये सब कहाँ कर रही हो तुम? हाँ ओहो अच्छे भले तो हैं हम, अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, करने दीजिए हमें थोड़ा बहुत काम, ऐसे बैठे बैठे ना उब जाते हैं हम। थोड़े बहुत में तुम कहाँ रुकती हो, कब से लगी हुई हो? सामान भी ना वो अलमारी को लगाने में समय लगता है ना थोड़ा, पिछले 7-8 दिन से डर के मारे हमने बेटी से कपड़े निकाले भी नहीं। जानते हैं ना वो भानु भैया ने घर से जाने के लिए कहा था,
तब से कपड़े पेटी में ही थे। भानु भैया ने आराम करने के लिए भी कहा था। माँ, अब फिर से काम कर रही है? क्यों, हमने आपको मना किया था ना, आपकी तबीयत कितनी खराब है, जरा सा उधर क्या पलटे काम करना शुरू हो गए। आ गई हमारी दादी अम्मा। पहले आप हमें ये बताइए कि आप हमसे बिना कुछ बिस्तर से कैसे उठ गई। शवनी बेटे, इनको अच्छे से ठीक करना, एक नहीं सुनती हमारी। चलिए लेटिए आप जल्दी से, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप लेटिए बस। अरे नहीं लेटना हमें शवनी, थक गए हैं ऐसे लेट लेट के, अगर थोड़ी देर और ऐसे लेटे रहे ना तो मर ही जाएंगे हम। पगली, कहने के लिए कह रहे थे, ऐसे बोलने से कोई मर थोड़ा ना जाता है। लेकिन माँ, आज के बाद से आप ये बात हमारे सामने नहीं करेंगे, आप नहीं बोलेंगे। क्या हो गया बेटा, ऐसे परेशान हो गई एकदम से? सच कह रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक है अब। हमें कुछ नहीं सुनना, अब हाथ रखिए और कसम खाइए कि आप कुछ नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा नेत्रा, इतना जिद कर रही है वो, तो मान लो ना उसकी बात। ठीक है दादी अम्मा, तुम्हारे सर की कसम, नहीं करेंगे अब घर का काम और अपना ध्यान भी रखेंगे। चलिए जूस पी लीजिए। जूस तो पिला दिए, अब माँ बाबा को यहाँ से किसी हवादार जगह पर ले जाने के लिए कैसे मनाएं? माँ बाबा। हाँ बेटा। आप लोगों का यहाँ पर मन लग रहा है क्या? बिल्कुल बेटा, और भला ये क्या सवाल हुआ? ये घर तो अपना ही है ना, और यहाँ हमने अपनी आधी जिंदगी बिताई है, तो मन तो लगेगा ही ना। हाँ वो बात तो आपकी सही है, वो हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है ना घर में, तो इसलिए हमारा मन थोड़ा खट्टा हो गया, इसलिए हम चाह रहे थे कि कहीं बाहर जाए कुछ दिनों के लिए। वो क्या है ना, हमारा इतना मन कर रहा है कि कहीं पहाड़ों पे घूमने चले, हमें कहीं पहाड़ों पे जाना है, उधर चलना है, वो माँ की तबीयत के लिए भी अच्छा होगा, इसलिए कह रहे चलते हैं ना थोड़े दिनों के लिए, और मजा भी बहुत आएगा। हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा सोचा है, पर वो कहा है कि ऐसी हालत में अभी तुम्हारी माँ के लिए सफर करना अच्छा नहीं रहेगा ना, अगर उन्होंने सफर किया तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है, याद है ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? बाबा माँ के लिए तो कह रहे, कैसे समझाए? श्रवणी, बात सिर्फ हमारी तबीयत की नहीं है बेटा, तुम्हारे ताऊ जी ने इतने प्यार से हम दोनों को यहाँ पर रोका है, अभी अभी तो सब लोग आपस में घुल मिल रहे हैं, बातचीत करने लगे हैं, और मेरा बाबू तुम भी तो यही चाहती थी ना कि ऐसा हो, जब ऐसा हो रहा है हम सब ऐसी घूमने निकल जाएंगे तो क्या पता उन्हें अच्छा ना लगे बेटा। नहीं बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। अरे तुम कहाँ चले? वो हम कीर्तन में जा रहे थे, राधिका है ना हमारी दोस्त, बस उसी के साथ आने ही वाली होगी वो। अच्छा ठीक है, वो हम मीटिंग के लिए एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जरा हमारा एक दिन का सामान पैक कर दो। आप बाहर जा रहे हैं? साइट पे जा रहे हैं, कल लौटेंगे। आजकल आधा टाइम तो साइट पर ही रहते हैं। बीना तैयार हो ना? हाँ हम तैयार हैं। तुम अकेली हो? तुम्हारी दोस्त आने वाली थी ना? आई है ना? आई है तो बुलाओ उसको, एक कप चाय भी पी लेंगे। हाँ हम बुला बुला। Thank you.
प्रीति आओ बैठो ना। हमें पता नहीं था कि राधिका में तुम्हारे घर लेकर आ रही है। वो तो जब हम यहाँ आए तो हमें ध्यान आया। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। हाँ वो पहचान वहचान नहीं रखते हम ऐसे लोगों से, जितना दूर रहे उतना ही बढ़िया है। हमें जाना होगा, माफ करना राधिका। हम नहीं आ पाएंगे, तुम लोग चले जाओ। बीना, मीटिंग आज घर से ही होगी, तुम्हें काम करो ना, एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दो हमारे लिए। जी। सॉरी बीना, वो प्रीति ऐसी नहीं है, पर पता नहीं क्यों। अरे तुम काहे माफी मांग रही हो? हमें पता है प्रीति ऐसी बिल्कुल नहीं है। हमको लगता है कि उसको ना किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है। कोई बात नहीं, हम कभी और चल लेंगे। ठीक है। प्रीति के पति ने ना जाने का जहर भर रखा है हमारे बारे में। माता रानी, मैं पता है कि बहादुर बच्चे रोते नहीं है, लेकिन क्या करे, आपने हमसे हमारी दादी को तो छीन लिया, अब आप हमसे हमारी माँ को भी छीन लोगे। ऐसा मत करो ना माता रानी, हमें थोड़ा सा वक्त दे दो। हमने क्या क्या सोचा था कि जब हमारे पापा की आंखें आ जाएंगी तो हम उन्हें इस हवेली में पूरे मान सम्मान से लेकर आएंगे। वो सपना तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन अब हमें मेरे माँ पापा को इस हवेली से दूर लेकर जाना होगा। डॉक्टर अंकल ने कहा था कि माँ को ताजी हवा की जरूरत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें चंद्रा ताई जी ने भी कहा था कि वो हमारे माँ बापा को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तो डर के मारे नींद ही नहीं आ रही है माता रानी। हमारा ऐसे जाना ही ठीक है। जैसे तैसे माँ को ये कड़वा काढ़ा तो पिला देंगे, लेकिन हम माँ बाबा को इस घर से कहीं दूर ले जाने का बहाना कैसे बनाएंगे? मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खाते बिचारी चाची की तो रिपोर्ट भी सही आई थी, क्यों जुर्म कर रही हो उन पर? बंटी, रिपोर्ट से कुछ नहीं होता है ना, तुमने देखा नहीं माँ कितनी कमजोर हो गई थी? हाँ, वैसे धप से गिर गई थी। हाँ तो बस इसीलिए माँ को मजबूत बनाने के लिए हमने ये काढ़ा बनाया है।
101 व्यंजनों से भागे का। अब छोड़ो ना बंटी, अब क्या करोगे पढ़ के? अरे हमने बुक क्यों छीनी, हमें पढ़ने तो दो। ओफो, इसमें तो काला गिर गया, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हाँ नहीं समझाएगा वो, उस पे लिखा है कमजोर कमजोर। हाँ। नहीं दिखाओ जरा, देखो का के ऊपर एक मात्रा भी है और कमजोरी में सिर्फ का होता है। अब बंटी छोड़ो, तुम जाकर खेलो, कुछ और करो, हमें परेशान मत करो। रवनी इतनी चिड़ी हुई क्यों है? उसे चाची की चिंता हो रही होगी, हमें उसे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरकीब ढूंढनी होगी। की तबीयत में पहले से कुछ सुधार हुआ क्या? नहीं बेटा, बल्कि कैंसर और बढ़ता ही जा रहा है, सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।